इधर एकदम पूरा बादल आ गया है। तो हाय दोस्तों, नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और पीछे रहा माता जी का मंदिर। तो यहाँ पहुँचे हुए काफ़ी टाइम हो गया, दर्शन वर्शन तो कर लिए हैं। तो वैसे इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, घर से कि यहाँ तक कहाँ कैसे पहुँचे हैं, कैसे नहीं पहुँचे। और नीचे जाते वक्त मैं सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा कि कितना बजट लेकर के आप लोगों को चलना है। आप देख रहे हैं सफरनामा बॉय, मेरा नाम हो ऋषभ राज। और लाइक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हो रही है बाहरी से यहाँ पर जैसे वो वीडियो में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि कैसे क्या है। ठीक है, हाय दोस्तों। एक्चुअली अभी मैं दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूँ। न्यू दिल्ली पहुँचा हूँ लगभग 12:30 बजे। अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 6:30, पर ट्रेन खुलेगी 7:05 पे। अभी थोड़ी देर, काफ़ी टाइम पहले, आधा घंटा पहले आ गया है। तो मेरा सीट था एक्चुअली, मैं एक्चुअली बता दूँ, मेरा B2 में था, बट एक्सचेंज मुझे करना पड़ा। एक्चुअली मुझे B7 में आना पड़ा। तो यहाँ से जर्नी हमारी स्टार्ट होती है और कटरा पहुंचेंगे सुबह में 6 बजे। और देखते हैं फिर आगे का कैसा क्या जर्नी होता है, क्या नहीं, वो तो आगे जाके ही पता चलेगा। अभी तो फर्स्ट टाइम ही है। तो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट तो हो चुकी है और मिलते हैं धीरे धीरे आगे। और माता वैष्णो देवी का आप भी दर्शन कीजिए मेरे साथ साथ। अपर सीट रही मेरी, वहाँ से एक्सचेंज करने के बाद। सो बदला ले रहे हो आप, बदला ले रहे हो आप, हो गया। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है थोड़ी देर बाद, मिलते हैं आगे। जम्मू पहुँचते हैं, बीच बीच में जो भी जर्नी होगा, वैसे तो रात का टाइम हो जाएगा तो फुटेज क्या लूँगा, बट थोड़ी थोड़ी 10-15 सेकेंड का वीडियो ऐड करूँगा। तो ट्रेन हमारी सुबह के 6 बजे से पहले ही आ गया, 6:10 में टाइमिंग थी, पर आधा घंटा पहले पहुँच गया। अभी चलते हैं होटल, स्टेशन पर उतर गए हैं। स्टेशन काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, पर हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जम्मू जैसे ही क्रॉस करते हैं वहाँ से प्रीपेड सिम जो जम्मू के साइड का सिम नहीं है वो बंद हो जाएगा। तो मिलते हैं आगे, चलिए ऑनलाइन पर्ची कटवाना पड़ेगा या फिर जो भी है। आज का सो नहीं, टाइम छूट गया, देखते हैं और चलते हैं होटल पे, फिर वहाँ मिलते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन देते हैं सारा कुछ बता। स्टेशन से बाहर निकल गए हैं और बाहर आते ही नज़ारा गजब का है। तो चलते हैं होटल, होटल जाकर के देखते हैं क्या आप कर रहे हैं, कितने बजे निकलना है, थोड़ा सा फ्रेश वेश होके ही निकलना है। सो लेट्स गो। पासी से बुक्स वगैरह ले सकते हैं, बट मेरा रूम बस पासी में, तो पैदल ही चलते हैं। बस
तो फाइनली मैं तैयार हो गया हूँ। ये रहा होटल बेड, एक अलमीरा दिया हुआ है जिसमें अभी सारा सामान बैग में से निकाल कर रख दिए हैं। लैपटॉप लैपटॉप वगैरह सब कुछ निकल रख दिए, जिसमें से इस वाले बैग में खाली कर रहे हैं क्योंकि ऊपर लेके जाना है। तो चलते हैं, जर्नी स्टार्ट करते हैं जय माता दी का नाम ले करके। और रूम रहा, ये रूम काफ़ी अच्छा है और इधर वॉशरूम वगैरह। तो जर्नी स्टार्ट किया जाए, चलिए मिलते हैं आगे। तो होटल से निकलने का टाइम हो गया, टाइम हो रहा है 8:00, 7:53, 8 बजने वाले। तो निकलते हैं होटल से। सामान तो बैग तो ऊपर ही रखना होगा, लॉकर में जमा करवा लेना ऊपर। जब आपने घर से करने जाना है ना, लॉकर में जमा करवाना है। अगर माता रानी का चुन्नी लेना तो इसकी मार्केट से मिलेगी आपको, ऊपर नहीं मिलेगी, ऊपर नहीं मिलती है। घोड़े करने भैया, घोड़े माता लेना आपको। एंट्री लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और मैंने चुनरी प्रसाद वगैरह ले लिया चुनरी चढ़ाने के लिए, और प्रसाद भी जो कि वापस लाना पड़ता है। और
से स्नान हुआ है तो चलो तो पीछे यहाँ चरण पादुका मंदिर है श्री माता जी का, तो आप यहाँ पे दर्शन करके आगे बढ़े, तो मैंने दर्शन कर लिया है तो अब आगे बढ़ रहे। तो मैं रिमाइंड करा दूँ कि अभी मैंने नींबू पानी मंगवाया है, तो होटल से निकले हैं लगभग 8 बजे, ठीक है, और वहाँ से निकलते हुए अभी बज रहे हैं 9:15, 1 घंटे हो चुके हैं। तो देखते हैं हम कितना किलोमीटर है, लगभग 12 किलोमीटर का चढ़ाई है और घोड़ा पिट्ठू वगैरह नीचे से कर सकते हैं। वैसे बीच में अब तक खाने पीने का सुविधा है, तो आप इजली कुछ भी नाश्ता ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हो, और जो भी जानकारी मिलती है वो अपडेट करना है वीडियो का आप लास्ट तक देखें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए क्या करना है कैसे करना है। बीच बीच में सीढ़ियों का शॉर्टकट है, थोड़ा सा वहीं एक बार लेकर के चल रहा हूँ। अगर आप लोग आ रहे हैं तो जिन्हें हार्ट पेशेंट वगैरह हैं कुछ प्रॉब्लम है तो वो सीढ़ियों का अवॉइड करें क्योंकि सांस फूल जाती है और सीढ़ियों से रुक रुक के आना पड़ता है। तो बढ़ते हैं आगे। टाइम हो गया 10:15, अभी पता नहीं कितना किलोमीटर हुआ है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाओ। और मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, यहाँ तक मैं कटरा तक तो कैसे पहुँचा। मैंने बिहार से बाय ट्रेन लेकर डायरेक्ट दिल्ली, जो कि 10 तारीख को लगभग 1 बजे दिन में पहुंचा दिया, फिर शाम को जम्मू टू कटरा जो एसी ट्रेन चलती है उससे शाम में 7 बजे दिल्ली से फिर खुली, और सुबह में टाइम से पहले लगभग 5:30 बजे के आसपास कटरा पहुंचा दिया। चलना यात्रा करने का तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसके बाद होटल गए, होटल में फ्रेश हुए, 8 बजे होटल से निकले, उसके बाद यात्रा स्टार्ट हुई। अब जो भी है इस वीडियो में सारा कुछ मेंशन रहेगा।
ये पूरा कटरा सिटी हुआ, वहाँ दिख रही है रेलवे स्टेशन कटरा की। तो अभी गाइस बापे काफ़ी नीचे से ऊपर आ चुके हैं, पता नहीं कितना किलोमीटर हुआ ये तो नहीं पता, पर यहाँ तक पहुँचे। ऊपर एक मंदिर दिख रहा है वहाँ पर, तो बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। आप इस चक्कर मना रहे हैं, नवरात्रि के पांचवें दिन उनकी उपासना का विधान है। अर्धकुंवारी पहुंच गया, टाइम हो रहा है 11, लगभग 2.5 घंटे लगे यहाँ तक आने में। मौसम काफ़ी अच्छा है, बादल के पास 100 रुपये प्लेट दिया, जिसमें 3 चपाती, फर्स्ट चावल, दाल, सब्जी वगैरह। क्या क्या बढ़ते हैं आगे खाने पीने के बाद, ठीक है। अर्धकुंवारी के मंदिर के बगल से ही नया रास्ता गया ऊपर, लोग कह रहे हैं कि चढ़ाई कम है, तो देखते हैं, तो जाने के बाद ही पता चलेगा कैसे गया है। तो बढ़ते हैं आगे। तो नए वाले रास्ते से आ रहे हैं, तो ये डायरेक्ट अभी तक ढला मतलब नीचे की ओर हल्की जा रही है, फिर आगे से दो रास्ते क्या है, वहाँ से फिर एक माता जी के पास, माता जी के मंदिर की तरफ चल जाता है, और एक नीचे की ओर कटरा की तरफ। वेदर एकदम पूरा बादल आ गया है। थोड़ी दूर के आगे एकदम बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। भवन के पास तो पहुँच गए, थोड़ा सा आगे हैं, पर बारिश के कारण अभी सब लोग रुके हुए हैं, काफ़ी भीड़ हो चुके हैं।
एक्चुअली 1:30 बज रहा है अभी, और पार्टी सभी आधा घंटा पहले स्टार्ट हुआ, आधा एक घंटा पहले। धीरे धीरे काफ़ी तेज हो गया और हालत बिल खराब। कपड़े वगैरह भींग गए, बैग तो बच जाएगा क्योंकि उसका कवर है। सूज भी भींग गया है। अब कल मुझे यहाँ से अमृतसर निकलना है, देखते हैं क्या कैसे क्या करना है। हम तो नीचे जाके ही पता चले, पहले दर्शन करते हैं अच्छे से, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। देख लो क्या है, थोड़ा सा आगे से लॉकर नंबर 2 और 3 लिखा हुआ होगा, वहाँ से नीचे आना है। नीचे आकर के यहाँ पे आप सामान वगैरह लॉकर में रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह सब कुछ। और यहाँ से फिर ऊपर जिधर से नीचे उतरेंगे उधर से ही जा कर के फिर मंदिर की ओर उधर जाइएगा। और मैं तो दर्शन करके आ गया, सामान वगैरह भी ले लिया। बारिश में भीग गया हूँ और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। टाइम हो रहा है 2:27, 1:30 बजे तक पहुँचे थे ऊपर। फिर यहाँ सामान मान रख करके चले गए थे दर्शन करने, प्रसाद वगैरह चढ़ाए, फिर वापस आए, सामान मान लिए हैं, फिर जूता वूता शूज़ वगैरह सब भीग गया है। और मुझे दर्शन आसानी से हो गया क्योंकि बारिश होने के कारण काफ़ी लोग उधर ही रुक गए भीड़ में। मैं बारिश में भीग करके दौड़ करके आ गया। आपने वीडियो में देखा होगा कि कितना ज़्यादा पानी रास्ते पे आ गया। सो यही है यहाँ का सीन आज का। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आजा।